फोर व्हीलर स्कूटर। हेलो गाइस एंड वेलकम टू फोर व्हीलर स्कूटर एंड वेलकम बैक टू शिखा सिंह व्लॉग्स। तो हमने सोचा इस बार आपको ऐसा क्या दिखाया जाए जो आपको पसंद आ जाए। एंड यस, वी डिसाइडेड ऑन इंडियाज फेवरेट टॉपिक विच इज शादी, वेडिंग्स, मैरिजेस मेड इन हेवन। और मैं इस वक्त वो वाली आंटी मैच मेकिंग वाली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं करण और मेरी शादी की बात कर रही हूँ, जिसका आप वीडियो बहुत जल्दी देखने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बट फिलहाल मैं आपको बताऊं कि करण और मेरी शादी बहुत ही सिंपल वेडिंग थी, बट वी हैड लॉट ऑफ फन। आप लोग वीडियो में देखेंगे कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था, हमने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, आपने इंटरनेट पर वो वीडियो देख ली है? नहीं 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 नहीं, वो वीडियो तो मीडिया का लिया हुआ वीडियो है, लेकिन असली अंदर की जो डिटेल्स हैं वो तो वीडियो मेरे पास है, अभी तक इंटरनेट पे नहीं आई है। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी इंडियन शादी नहीं होती है जिसमें ड्रामा नहीं होता, सस्पेंस नहीं होता, मिस्ट्री नहीं होती। अरे कभी कुछ घर पर छूट जाता है तो कभी शादी के वेन्यू पर केटर नहीं आता है। सो हमारी भी ऐसी बहुत सारी कहानी है जो इस वेडिंग ट्रेलर में मैं आपको बताऊंगी, इनसाइड गॉसिप। एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, क्योंकि किसी बहुत ही महान व्यक्ति ने कहा था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और मेरे नेबर है रमेश जी, आई होप उन्होंने नहीं सुना, बट इज अ कूल गाय एंड आई नो ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो सुपर कूल। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो दिस कूल वीडियो टू यू गाइज एंड आई होप कि आप सब लोग भी एक्साइटेड हैं। सो कम ऑन, लेट्स टेक अ लुक। सो हियर वी गो, श्री गणेशाय नमः। एज वी ऑलवेज डू गणपति की पूजा सबसे पहले, एंड दिस वॉज आर मंडप मुहूर्त। एज यू कैन सी सब लोग एकदम सिंपल हैं एंड आई लव इट। जो है वैसा ही है, मतलब आगे पीछे कुछ भी नहीं। एंड दैट्स मी, दैट्स करण। गिफ्ट्स, फ्रूट्स, कोकोनट, एंड दैट्स अस। एंड वी स्टार्ट विद द संगीत। पॉज। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी सिंपल, एज यू कैन सी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सब रेडी हुए हैं, क्योंकि करण और मुझे तो करनी थी कोर्ट मैरिज, बट फैमिली ने इंसिस्ट किया कि नहीं, प्रॉपर वेडिंग होनी चाहिए। तो हम लोगों ने बोला ठीक है, लेकिन हम लोग बिल्कुल वो रेडी नहीं होंगे, हम लोग वो लहंगे नहीं पहनेंगे, वो शेरवानी नहीं पहनेंगे। इट विल बी अ वेरी सिंपल वेडिंग एज अ कॉमन फंक्शन एट होम, सो दैट्स वाई वी ऑल आर ड्रेस्ड अप लाइक दिस। इट्स अ कूल कम्फर्टेबल संगीत, लेट्स कंटिन्यू वॉचिंग। And Karan can't dance at all. He has two left feet. But still he made an effort. So I'm happy. Karan ready ho raha hai. And Karan ke dost ne Karan ko uthaya aur ball hawa mein gayi. And it's a six. Oh sorry, the sangeet is still on. Main ready ho rahi hu. It's a mutual understanding of relationship jo hum dono ke beech mein hai. I can dance forever guys. I can dance forever. That's my family. Woohoo! That's my sisters. मॉम और मासी और पॉस। सो दोस्तों, ये है हमारी बारात। सो मैं अपनी बारात के बारे में बता दूं कि करण गाड़ी में बैठा हुआ था एसी ऑन करके, और उसकी फैमिली बारात पे डांस कर रही थी। तो जब मैं वेन्यू पर पहुंची तो मुझे लगा थोड़ा अजीब कि भाई मेरे दोस्त, आई मीन करण, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही स्टिल इज, उसकी शादी है और ऐसे कैसे हो सकता है उसकी शादी में मैं ना डांस करूं। सो मैं भी गई, मैंने भी बारात में डांस किया एंड ऑब्वियसली करण को खींच के मैं बाहर लाई कि भाई शादी है, डांस तो करना ही पड़ेगा। एंड वी डांस टुगेदर, यू कैन टेक अ लुक राइट नाउ। एंड ये नाक पकड़ने वाला फंक्शन, देन द ब्राइड एंड अनफेयर। सो करण को ऑब्वियसली तीसरे माले पे चढ़ा दिया उन लोगों ने एंड आई हैड नो ऑप्शन, जैसे वैसे करके माला फेंको, हर इंडियन वेडिंग में ये होता है। बट वॉट हैपेंड विद मी गाइज वॉज वार्डरोब वॉल फंक्शन। यस, मेरे ब्लाउज का पीछे का क्लिप खुल गया था ना, आई वॉज लाइक वेरी स्केयर्ड कि ओ माई गॉड नॉट नाउ। एंड समहाउ जब मेरे नेफ्यू ने मुझे ऊपर उठाया एंड आई रियलाइज दिस इज हैपेंड, आई आस्क्ड हिम पुट मी डाउन, और उसने मुझे नीचे रखा एंड बच गया, कुछ ऐसा कुछ हादसा आगे नहीं बढ़ा, बट थैंक गॉड कुछ ज्यादा नहीं हुआ। बट करण को तीसरे माले पे चढ़ाने के लिए मैंने दिया करारा जवाब, ये देखने के लिए आगे वीडियो देखें जरूर।
और मैं शादी से भाग गई, लेकिन करण ने मुझे पकड़ लिया. And then we started our wedding. And as you can see, ये फेरे हो रहे हैं. It was super fun, guys. It was super fun. I can't even believe it's been 4 years. Where does time fly? We had a lot of fun and tada, ek chutki sindoor ki keemat tum kya jano. And wait, that's our famous Pandit ji. You know, this Pandit ji was on another trip. So jab hamari shaadi ho rahi thi and Karan was least bothered because hame to bas ye tha kab function pure ho aur kab hum log ghar pe jaake we'll just chill. सो दिस पंडित जी ये हमारी शादी कराते कराते बीच में सडनली करण का नाम इन्होंने चेंज करके शेखर रख दिया और इन्होंने बोला अब शिखा और शेखर की शादी हो गई है. सो आई लुक्ड एट हिम, आई वाज लाइक शेखर कौन पंडित जी? एंड देन ही इज लाइक शिखर, ओ हाँ शिखा और करण की शादी हो गई है. एंड दैट्स नॉट इट, इन द एंड ऑफ द वेडिंग जब पूरी शादी के जो फंक्शंस कस्टम्स होने थे वो हो गए, उन्होंने एक बार फिर गुफ अप किया और उन्होंने बोला कि शिखा और सोनी की शादी हो गई है. एंड आई वाज लाइक पंडित जी हिज नेम इज करण. So that was our Pandit ji, the epic Pandit ji, and I hope ki aap apni shaadi mein jis Pandit ji ko bulaye wo soch samajh ke naam le. And the juta chupai system, जो जनरली बहनें जूता छुपाती हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर्स बहुत बड़ी हैं, सो ऑब्वियसली उनके बच्चे जो हैं उन लोगों ने ये काम किया. माय नीसेस एंड माय नेफ्यूज, उन्होंने करण की जूता छुपाने की कोशिश की, ज़्यादा सफल नहीं हुए. बट इन द एंड व्हाट वी डिड वाज लाइक व्हेन वी वर ऑल डन विद द वेडिंग, तो मैंने उसके जूते उठा के उनको दे दिए एंड देन ही हैड नो ऑप्शन बट टू गिव देम मनी. एंड देन वी एंटर्ड फॉर द रिसेप्शन. So guys, here's an inside detail. Generally, लोगों के पास टाइम नहीं होता शादी के टाइम में कुछ भी करने का, रेडी होने का, खाना खाने का. लेकिन माई डियर हस्बैंड करण जब सुबह की शादी का फंक्शन खत्म हुआ उसके बाद सोए थे, और उसके बाद जब मैं रेडी हो रही थी रिसेप्शन के लिए घर पर, तब वो बैठकर प्ले स्टेशन खेल रहे थे. जी हाँ, सही सुना आपने. That's a true, loving, dedicated husband who's going to attend his own reception. But हम लोग ज़्यादा देर नहीं हुए, thanks to Mumbai traffic. We were just half an hour late, not much. That's my family, that's our friends, Dadi, we miss her. And that's Karan's side of the family. And we were done for the day. और इस वीडियो के बाद क्या हुआ होगा वो तो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते ही हैं. जी हाँ, हम घोड़े बेचकर सोए थे क्योंकि हम बहुत थके हुए थे, और हर इंडियन ब्राइड और ग्रूम का मोस्टली यही हाल होता है. आगे की डिटेल्स मैं आपको ज़्यादा दे नहीं सकती. सो गाइज, दिस वॉज आर वेडिंग वीडियो जो मैं आपको दिखाना चाहती थी. और भी बहुत सारी क्लिपिंग्स हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा सकती थी, बट वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और समय है हमारे पास बहुत ही कम. बट यू गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फोर व्हीलर स्कूटर, बिकॉज ऐसे बहुत सारा कॉन्टेंट और बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ मेरी लाइफ के बारे में बट इन जनरल इन फॉर्म ऑफ स्किट्स वी आर गोना गेट इन फ्रंट ऑफ यू. सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो एंड शेयर फोर व्हीलर स्कूटर एंड आई बी बैक विद समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग फॉर यू गाइज. एक चुटकी सिंदूर की. ओके, आई थिंक वी आर डन. बाय.